चंडीगढ़, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स 7:56 इन द मॉर्निंग और अभी हम निकल चुके हैं मनाली के लिए। मनाली होगा यहाँ से कुछ 300 किलोमीटर्स एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 70। और मेरे साथ है मेरा भाई थंडरबर्ड 350 पे। बहुत मज़ा आने वाला है। टेम्परेचर है बाहर 18 डिग्री। तो आज का तो यही प्लान है कि मनाली जाना है, स्टे करना है रात में और फिर कल का कल देखेंगे कि कल कहाँ जाना है। बाकी पहले मनाली तो पहुँच जाए, उसके बाद देखते आगे का प्लान क्या। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। टाइम हो रहा है अभी 11:30। वो कहाँ रह गया? चले फिर। कितने किलोमीटर है अभी? मनाली 4 घंटे लगे। 4 घंटे किलोमीटर्स? 160 होगा। 160। चलो फिर चलते हैं। मनाली लेफ्ट लेके सीधा। मनाली यहाँ से 169 है और तो 4 घंटे और लगेंगे। अभी टाइम हो रहा है 11:50। मोस्टली 3 या 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। रोड तो बिल्कुल मक्खन है और साथ में बाइक भी पूरी मक्खन है।
100 किलोमीटर बचे हैं मनाली के लिए, और अभी हम रुके हैं मंडी के पास ब्यास रिवर। भाई अगर ब्यास ना हुई तो? हाँ ब्यास, ब्यास नहीं हुई तो लोग बता देंगे ना कौन सी है। बाइक तो दोनों स्मूथली चल रही है अब तक, ये भी और ये वाली भी। तो अब निकलते हैं सीधा मनाली के लिए। टनल लगभग 4 किलोमीटर का है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 4 to 5। और अभी फ्यूल भी भरवाना पड़ेगा, फुल टैंक खाली हो गया। और यहाँ से मनाली होगा और कुछ 60 या 70। कितना धुआं भरा हुआ है, उफ। अतुल ये टनल कितने किलोमीटर का था? 4? 2 या 2.5। मुझे लगा 4 का। कितना धुआं भरा होता अंदर? रुक जाओ चाचा, रुक जाओ। थक गए यार। अभी हम कुल्लू में हैं, अभी इसके बाद मनाली, मनाली और 50 फुल कर दो भैया। थैंक यू। तो अब निकलते सीधा मनाली की तरफ। टाइम हो रहा है 3:41। अतुल कहाँ रह गया? हाँ हो रहा। क्या खा रहा है? रुकूं? तो अभी पहुंच गए कुल्लू में, और ये कौन सा होटल है? रिवर रेंज। रिवर रेंज में रुके हैं खाना खाने। चलो तो अतुल की बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। आई होप कि कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो। क्या हो गया? नहीं, बेरिंग गई पीछे। बेरिंग गई? मान लो कि मैं आगे जाऊँ, ठीक है, रास्ते में खराब हो गई थी। चेक किया? दिखा? हिल रहा है ना? फिर मनाली में देखते चल के। और नहीं है कोई? पहले जाम होते ही टायर बिल्कुल जाम हो गया, ये टूट गया।
चलो करते हैं धीरे धीरे, देखते हैं धीरे धीरे चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं। चंडीगढ़ से चल, धीरे धीरे निकल। ज्यादा फील हो रहा है क्या चलाने में? ज्यादा फील हो रहा है चलाने में? क्या है यार, बीच रोड पे उतर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी तो बहुत अच्छी जगह पे है, 5-10 किलोमीटर में सब कुछ है। अभी कितने मनाली? 40? ये तो 25 बोल रहा है। 25? चल 25 तो निकल जाएंगे। आ जा स्लो स्लो चल, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नहीं एक्चुअली इशू तो बड़ा है, लेकिन ये सब राइड के पार्टी होते हैं। जब एडवेंचर नहीं रहा तो फिर किस बात की राइड। तो एक्चुअली ना प्रॉब्लम क्या है पता है, उसका जो पीछे वाला टायर है ना, उसके बेयरिंग चले गए हैं, तो उस वजह से टायर शेक हो रहा है चलते चलते। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है ठीक होने का, तो अभी उसके लिए मनाली जाना पड़ेगा। बस अभी थोड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा, इसलिए हमने डिसाइड करा है कि हम 40 की स्पीड पे जा रहे हैं दोनों। और टाइम हो रहा है अभी 5:35 और अंधेरा होना शुरू हो गया यहाँ पे। तो 7 बजे तक तो पहुँच जाएंगे मनाली। पता नहीं मुझे कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट वहाँ पे पूरे माउंटेन्स पे वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है एंड धीरे धीरे टेम्परेचर भी लो होता जा रहा है और रात में माइनस में चला जाएगा। सो द टाइम इज 6:54 और मनाली तो आ गया है। अभी तो कुछ ज़्यादा प्लान नहीं है, बस होटल लेना है और रात में आके देखते हैं यहीं कहीं घूमने लायक जगह। एंड कल सुबह अगर रोड खुली होती है तो रोहतांग पास जाएंगे, नहीं तो पार्किंग वाला आउटर। नहीं नहीं अगर वाईफाई नहीं चाहिए भैया। क्या हो गया? रूम 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 है सर, बढ़िया 600 ले जाना। हां नया आउटर ना, इधर बेरिंग टू फील मेरे भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट ए लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि और अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हालत कैसी हो गई है? नहीं ये डरो मत, मैं नहीं नहीं है, मैं थोड़ी आप ऐसे देख रहे थे ना, इसलिए यहाँ के बना लेंगे। YouTube पे डाल, YouTube पे बना।